अस्सलाम वालेकुम विलेज वर्ल्ड ब्यूटी में खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों के बाद उस जगह पे आया हूँ जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई है काले तीतरों की। इन दिनों कैमरा नहीं है मेरे पास, मोबाइल से ही गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन ये वो जगह है, यहाँ ठेले पे बैठ के मैंने इस लोकेशन की तरफ काफ़ी तादाद में वीडियो बनाई थी काले तीतरों की, जंगली काले तीतरों की। तो काफ़ी लोगों ने वो वीडियो पसंद भी की थी, काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद आई थी वो। तो अब ब्रीडिंग सीज़न ऑफ है तो तीतर बोल नहीं रहे, तो इंशाल्लाह ताला कैमरा भी आ जाएगा और ब्रीडिंग सीज़न में जब तीतर बोलना शुरू होंगे दोबारा अपनी रूटीन के मुताबिक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा मैं। तो आज मैंने सोचा कि आज जाऊं इधर और याद ताज़ा करूं। मुझे याद है कि मैं गर्मियों में दिन 3 बजे इधर आया करता था डेली, और शाम तकरीबन मुझे 6-7 यहाँ पे वीडियो बनाते ही लग जाते थे। तो काफ़ी अच्छा टाइम था वो भी। ये वो प्लेस है जनाब जहाँ बैठ के मैं बनाता था, वो सामने आप देख सकते हैं मेरी काफ़ी वीडियो यहाँ पे मौजूद हैं। बिलखसूस ये जो आपको मिट्टी का तोदा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक ब्रीडर पेयर था काला नर, बहुत मस्ती में था, उसके साथ फीमेल भी थी। तो इसकी मैंने कोई 7 से 10 वीडियो बनाई थी कोई लगभग, तो काफ़ी पसंद आई थी लोगों को। तो ये जगह तीतरों के लिए काफ़ी महफूज है, यहाँ तीतरों को छुपने का काफ़ी बेहतरीन मौका मिल जाता है। यहाँ पे उन्हें दाने की भी कोई कमी नहीं है। अब मेरे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल है, तो एक फीमेल दाना उठा रही है थोड़े से दूर, तो मैं आपको अगर दिखा सकूं किसी तरीके से तो कोशिश करता हूं, लेकिन मुश्किल है, वो नहीं नज़र आएगी इसमें क्योंकि फासला ज़्यादा है। तो आप दोस्तों का दिल से शुक्रिया कि आप अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे चैनल के साथ, और वीडियोस वगैरह देख लेते हैं आप। यह है कि चैनल अभी आपकी बदौलत ज़िंदा है, तो इंशाल्लाह ताला के हमारा आते ही आपको लातादाद वीडियो देखने को मिलेंगी काले तीतरों की, इसके अलावा ग्रे तीतरों की, और ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा तब तक। आजकल मैं तीतरों की आवाज़ की वीडियो लगा रहा हूँ, वो भी काफ़ी दोस्तों को पसंद आ रही है, यकीनन पसंद आ रही होंगी। तो वो भी फ़िलहाल इन चीज़ों पे गुजारा हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी, काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई रियल वीडियो अपलोड नहीं की अपने चैनल पे। रियल वीडियो अपलोड करना भी एक मजबूरी होती है क्योंकि मुसलसल ही एक ऐसा कंटेंट अगर आप लगाते रहें जिसमें ना आपकी आवाज़ हो ना ही कोई रियल वीडियो हो तो चैनल का मसला बन सकता है, इसलिए ऐसी वीडियो भी आप देख लिया करें। सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, बाकी भी जिन्हें यूट्यूबर हैं, जितने भी दोस्त हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उन सब के चैनल पे ऐसी वीडियो जब आए तो आप कोशिश किया करें, देख लिया करें और लाइक और कमेंट्स कर दिया करें। ऐसे आपको तो कुछ नहीं जाता, लेकिन ये है कि जो वीडियो क्रिएटर है जिसका चैनल है उसे थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है कि यार उसके साथ जो ऑडियंस मौजूद हैं, जो हम उसके सब्सक्राइबर हैं, वो उसके चैनल को पसंद करते हैं।
तो काफ़ी हौसला बुलंद होता है ऐसे भी। तो मिलता हूँ किसी और जगह अच्छी सी वीडियो के साथ या फिर किसी अच्छी सी आवाज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।